नमस्कार। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है क्योंकि 17 सितंबर सन 2022 को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता भारत आ रहा है। ये खत्म हो गया था जब सन 1948 को कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने तीन चीतों को मार दिया था। इसे 1952 में हिंदुस्तान से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। पिछले 70 सालों में भारत की सरकार ने अलग अलग देशों के साथ में एशियाटिक चीता भारत लाने के लिए प्रयास किए। 1970 के दशक में ईरान के साथ प्रयास रहे, लेकिन ईरान ने मांग की कि एशियाटिक चीते के बदले में हिंदुस्तान उसे एशियाटिक लायन दे, जिसे भारत ने मना कर दिया। साथ ही उस जमाने के अंदर वहां पे क्रांति हो जाती है तो बात आगे नहीं बढ़ पाती। फिर सन 2009 में राजस्थान के गजनेर में नामीबिया के साथ में बातचीत होती है और डिसाइड किया जाता है कि नामीबिया से 20 चीते हिंदुस्तान भेजे जाएंगे। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल रहा हुआ है चीता कंजर्वेशन फंड का। पिछले 12 सालों के अंदर लंबी बातचीत होती है और डिसाइड किया जाता है कि 17 सितंबर सन 2022 को एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में दुनिया में पहली बार चीतों को ट्रांसलोकेट किया जाएगा। ये चीते नामीबिया से आएंगे और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे। चीतों की कुल संख्या 8 रहेगी, जिसके अंदर 5 फीमेल है, 3 मेल है। इनका जो सिलेक्शन किया जा रहा है उसका आधार है हेल्थ असेसमेंट, इनकी हेल्थ बेहतर है या नहीं है, इनका वाइल्ड डिस्पोजिशन, इनका बेहतर जो जेनेटिक्स है वो होनी चाहिए, साथ के अंदर इनकी हंटिंग स्किल्स भी बेहतर होनी चाहिए ताकि ये बेहतर तरीके से यहाँ पे अडाप्ट हो जाए। भारत सरकार का ये 90 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें जनता को भी बेहतर तरीके से भागीदारी निभाने की जरूरत है, क्योंकि जो चीतों का एक्सटिंक्स हुआ उसके कारण रहते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इलीगल चीता ट्रेड, पुअर स्पर्म काउंट, साथ के अंदर चीतों के प्रति एक जो ह्यूमन कंपेशन था वो खत्म हो गया था। आज जब हम लोग जनता और सरकार मिलके इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों ने जो पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान में चीते नहीं देखे हैं वैसी स्थिति आने वाली पीढ़ियों के साथ में नहीं रहेगी। तो हम अवेयर रहें और हिंदुस्तान दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चीते रखने वाला देश बने, क्योंकि दुनिया के अंदर मात्र अभी 7,500 चीते ही बचे हैं। और जब हिंदुस्तान का मिडाइवल काल देखते हैं तो उस जमाने के अंदर हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा चीते हुआ करते थे। धन्यवाद।